हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज है मंडे, आज है 1 अगस्त और आज मैं जा रही हूँ स्कूल अभी सुबह सुबह। तो कुछ दिन पहले मैंने स्कूल ज्वाइन किया है हमारे पास में उखीमठ में, तब 2 हफ्ते हो गए, आज 3rd वीक स्टार्ट हो रहा है। तो फिर सुबह डेली ऐसे ही रश में निकलते हैं, फिर शाम को घर आते हैं, तो ऐसे मैंने इसके ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं। तो फाइनली आज मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल रही हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं, नाश्ता वगैरह बना लिया है, खा लिया है और आजकल सावन का महीना चल रहा है तो बारिश तो लगातार ही हो रही है, सुबह रात दिन शाम हर वक्त बारिश हो रही है। तो अभी भी मौसम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल हम जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं क्योंकि स्कूटी से मुझे जाना है। ऐसे तो रेनकोट वगैरह रखा है मैंने, बट फिर भी मतलब बारिश में जाना थोड़ा रिस्की रहता ही है, पत्थर वगैरह गिरने का डर रहता है। तो अभी फ़िलहाल हम घर से निकलते हैं। इधर टोनी मेरे को सी ऑफ करने के लिए आ रखा है थोड़ा नीचे तक आएगा मुझे छोड़ने। और आज का मौसम देखो आप कैसा है। तो अभी सुबह तक ही बारिश हो रही थी, अभी बारिश फ़िलहाल बंद है। आजकल सारे रास्ते में सब खेतों में हरियाली हरियाली हो रखी है, रास्ता देखो ज़रा क्या हरा भरा हो रखा है। और टोनी भी आ चुका है मुझे छोड़ने के लिए और अभी फ़िलहाल हमें जाना है इस हरियाली के बीचों बीच से नीचे रोड तक। तो स्कूटी के पास पहुंच गई हूँ मैं, इधर लगाई रहता मैंने स्कूटी पार्किंग में। तो अभी स्कूटी को निकालते हैं और फिर चलते हैं उखीमठ की तरफ और हेलमेट भी पहन लिया है फॉर सेफ्टी पर्पज़। लेट्स गो। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे फेवरेट स्पॉट पे जहाँ का नाम है वडाधार और ये पड़ती है हमारे गाँव और उखीमठ के बीच में। और यहाँ पे मैं काफ़ी बार रुकती हूँ थोड़ी देर 2 मिनट रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना पीछे बहुत अच्छा दिखता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है आजकल बरसात में क्योंकि ऊपर काफ़ी भयंकर चट्टान है और यहाँ काफ़ी पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, इधर भी देखो गिरे हुए और रोड पर भी काफ़ी बार गिरे रहते हैं, तो यहाँ से थोड़ा जल्दी जाना सेफ़ है। तो अभी एक बार मैं आपको इधर सामने का नज़ारा दिखाती हूँ और फिर फटाफट चलते स्कूल क्योंकि लेट भी हो रहा है, 5 मिनट बचे हुए हैं। तो ये है सामने का नज़ारा और उखीमठ मार्केट यहाँ से पूरा लगभग दिखता है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है। और इधर सामने है गुप्त काशी मार्केट और आजकल देखो जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हो रखे हैं बरसात की वजह से पूरी जगह। और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी, तो आवाज़ मंदाकिनी नदी की यहाँ तक सुनाई दे रही काफ़ी तेज़ क्योंकि आजकल बरसात में पानी काफ़ी बढ़ गया है नदी का। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है और बारिश भी होने वाली है। देखो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया और आजकल छुट्टी के टाइम पे लगभग हमेशा ही बारिश हो रही है, हमेशा रेनकोट पहन के जा रही हूँ मैं घर। तो ये है उखीमठ का पूरा एरिया और जो मेरा स्कूल है वो पड़ता है बिल्कुल इधर कोने में। तो यहाँ से तो छोटा सा दिख रहा है, जूम करके दिखाती हूँ, इस पॉइंट पर है मतलब उखीमठ के बिल्कुल दूसरे एंड पे। तो उखीमठ पहुंच चुकी हूँ मैं और इधर से जाता हूँ मेरे स्कूल का रास्ता, आगे बच्चे भी जा रहे हैं। तो अभी स्कूल में चलते हैं, 7:30 हो गया, 7:35 से प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। तो अभी चलते हैं, हम 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तो और मैं पहुंचने वाली हूँ हमारे स्कूल के कैंपस में। ये बच्चे दिख रहे हैं नीचे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ वापस घर और रोड से ऊपर आ गई हूँ मैं, स्कूटी पार्क कर दी है और फिलहाल मौसम भी ख़राब हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो भयंकर धूप आ गई थी, सुबह बारिश हो रही थी फिर धूप आ गई और अभी देखो फिर से कैसा हो गया मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो फिलहाल अब जल्दी जल्दी हम घर चलते हैं रूही के पास, वो भी वेट करती है मुझसे मिलने का और मैं भी वेट करती हूँ। और ये देखो यहाँ पे हिरन घूम रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, बेफिक्र हो गए, मस्त ग्राउंड में घास खा रहा है। तो अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और हाथ मुंह धो लिए मैंने और अभी किचन में आ गई हूँ लंच करने के लिए। तो लंच में खा रही हूँ दाल सब्जी और रोटी, चावल में कम ही खाती हूँ, मतलब खाती नहीं हूँ, कभी कभार खा लेती हूँ। तो अभी फिलहाल रोटी खाते हैं और फिर चलते हैं फटाफट रूही के पास, क्योंकि एक बार उसके पास चले गई तो फिर नहीं जाने को तो सवाल ही नहीं है कुछ देर, जब तक वो सोई नहीं 1-2 घंटे। तो इसलिए मैं अभी लंच करके ही जाती हूँ उसके पास।
अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, हम लोग उठ चुके अभी सो के, और आज रोहित भी थोड़ा सो गई थी तो मुझे भी थोड़ा सोने को मिल गया, वरना वो कभी 3:30 बजे सोती है फिर मैं सो नहीं पाती हूँ। तो आज थोड़ा सा रेस्ट हो गया 1 घंटा, और अभी मैं फिलहाल आई हूँ अपनी गौशाला में बबली को बाहर निकालने के लिए। बबली को अंदर बांधा हुआ रहता है आजकल, ये देखो। बबली आ चुकी है बाहर और घास भी दे दिया मैंने बबली को, और फिलहाल ऊपर चलते हैं किचन में चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे जो हमारे कड़वे करेले की बेल थी उस पर काफ़ी सारे कड़वे करेले लगने स्टार्ट हो गए हैं, और हम सब्जियाँ भी खा रहे हैं इसकी, काफ़ी दिन खा लिए और अभी भी देखो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और घर के जो कड़वे करेले होते हैं उनका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब बाजार वाले उतने टेस्टी नहीं होते हैं मुझे ऐसा लगा। काफी सारे लगे हैं इधर पूरी बेल पे ऊपर तक। और अभी मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, धूप खिल गई है बहुत ही तेज वाली, ये देखो मौसम आजकल हर 1-2 घंटे में चेंज होता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी जब मैं घर आई, और अभी देखो क्या मस्त धूप खिली हुई है। और ये सारे जो टमाटर हैं वो हमारे पॉली हाउस के, तो काफ़ी दिनों के बाद कल मैं पॉली हाउस में गई थी और वहाँ पे इतने सारे टमाटर पके हुए थे, तो कल हम इनको पहले लेके आए हैं और अभी भी काफ़ी सारे पके हुए हैं वहाँ पे, तो एक बार इनको फिनिश करेंगे। तो आजकल काफ़ी सारे टमाटर लग गए हैं। तो अभी चाय रेडी है और चाय लेके चलते हैं ऊपर। अभी हमने चाय वगैरह पी ली है और रोहित भी उठ चुकी है, तो अभी मैं थोड़ी देर उसके साथ रहूँगी। तो बस यही था आज का पूरा दिन, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।